तो नाभि में केंद्र, किसी के ओठ फट रहे हों ठंड के दिनों में, रात में नाभि में तेल लगाकर सो जाइए, ओठ फटना बंद हो जाएगा, बोरोलिन बोरो प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी नाभि ऐसा केंद्र है, आप चाहे कितने भी ठंड में कितने भी ठंडे पानी से नहाते हैं, सबसे पहले पानी कहाँ डालते हैं नहाते समय? पैर पे। और कहाँ डालते हैं? पैर पे। सब कितने लोग पैर पे पानी डालते हैं पहले नहाते समय? अच्छा, अब कितने लोग सर पे पानी डालते हैं नहाते समय? सर पे पानी डालते हैं। आप कहाँ डालते हो? सर पे। सर पे माता जी, कंधे पे, पैर पे, सर पे, ऐसे ही ना? पैर पे, तब कंधे पे, तब सर पे। बहुत बढ़िया। अब मैं सबसे अच्छी विधि, वैज्ञानिक विधि आपको बताता हूं कि इस तरीके से नहाओगे कभी भी बाथरूम में लकवा नहीं मारेगा, स्ट्रोक नहीं आएगा। आपने देखा होगा लोगों को बाथरूम में ही लकवा लग जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, कई को हार्ट की प्रॉब्लम या बीपी बढ़ जाती, होता है ना। आपने क्या करना है, सबसे पहले पानी आपको ना पैर पे डालना है ना सर पे डालना है, आपने क्या करना है, हाथ लगाना है अपने नाभि के ठीक नीचे, ऐसे हाथ लगाना है और एक मग पानी, जो भी आपके पास मग है, लोटा है, उस पानी को सीधा उसकी धार गिरानी है आपके नाभि के ऊपर। यानी कि नाभि के नीचे हाथ होगा, ऊपर से धार गिराएंगे, नाभि पे पानी जाना चाहिए, नाभि पे लगातार अगर आप 30 सेकेंड तक भी या एक मिनट तक पानी गिराएंगे तो फिर क्या होगा, नाभि ठंडी होने लगेगी। यानी कि नाभि जब ठंडी होती है तो फिर क्या होता है, 72,000 नस नाड़ियों का जंक्शन है ये, स्टेशन है ये, यहां जैसे ही ठंडक बढ़नी शुरू हो जाएगी, बच्चे आप लोग भी ऐसे ही करना, नहाना तो पहले नाभि पे पानी गिराना, तो जब यहां ठंडक होती है तुरंत ये खबर जाती है पूरे शरीर में, 72,000 नस नाड़ियां पूरे शरीर के सेल्स के लेवल पर, कोशिकाओं के लेवल पर ये खबर करती हैं, देखो शरीर का तापमान घट रहा है, ये खबर चली जाती है तुरंत, शरीर का तापमान घटने वाला है, यानी कि अब नहाने जा रहा है ये शरीर तो ठंडा होगा। तो ये जैसे ही खबर जाती है, 72,000 तक खबर जाती है, तो तुरंत से सेल्स आपस में ही विचार करते हैं और कहते हैं तापमान बढ़ाओ, शरीर का तापमान बढ़ाओ, यानी कि ठंडा मिलेगा और ठंडा ना हो जाए गर्मी बढ़ाओ, तो शरीर की अग्नि तत्व जो है, शरीर का अग्नि तत्व बढ़ जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो सबसे पहले नाभि पे पानी डालकर देखना कल आप लोग कि होता क्या है, जब नाभि पे पानी डालना, डाल रहे हो पानी, आंख बंद कर लेना, महसूस करना, आपको लगेगा जैसे कि कुछ गनगनाहट सी शक्ति सी जग रही है और पूरे मस्तिष्क में गर्मी भर रही है, पैरों में कुछ लग रहा है, दौड़ रहा है, पूरे शरीर में लगता है कुछ दौड़ते हुए जा रहा है, तेजी से खबर चारों तरफ चली जाती है और एक साथ पूरे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है एक साथ। अब अगर देखो आप, पानी आपने पैर पे डाला तो क्या होगा, पैर ठंडा हो जाएगा लेकिन ऊपर का शरीर गर्म ही रहेगा, अगर आपने सर पे पानी डाला तो सर ठंडा हो जाएगा, नीचे का शरीर गर्म ही रहेगा, लेकिन अगर नाभि पे आपने पानी डाला तो एक साथ सर, पैर, हाथ, कंधे, चेहरे सब का तापमान बराबर से बढ़ेगा। और तब सर पे पानी डालो, तब पैर पे पानी डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, अचानक से बीपी सूट नहीं करेगी, अचानक से किसी को लकवा नहीं मारेगा या बाथरूम में लोग गिरेंगे नहीं, ऐसा होगा। तो ये करके आप लोग देखना। तो इसलिए नाभि ही पहला है वो हम कह सकते हैं कि माध्यम, जिसके माध्यम से शरीर को खुराक मिलता था मां के गर्भ में, और उसी नाभि से हम फिर से अपने शरीर को जगाएंगे, खुराक देंगे, शक्ति बढ़ाएंगे।